हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम आए हैं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। हेलो गाइज, आपको आज हम लेके आए हैं मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में। वैसे तो ये जगह साउथ दिल्ली के अंदर है, फिर भी ये जगह काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। अभी भी आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। एक तो कोई दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, बहुत कम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये जगह कैसी है। सुबह सुबह लोग जूस पीते हैं, लड़की लिमका पी रही है क्योंकि गर्मी बहुत है। ये जो जगह है ये जस्ट कुतुब मीनार के पास में ही है। दिल्ली में काफ़ी लोग घूमने आते हैं और कुतुब मीनार होकर चले जाते हैं, बट उन बहुत कम लोगों को ये पता है कि इसके साथ में ही मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर आने के लिए आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। वैसे तो इस आर्कियोलॉजिकल पार्क में काफ़ी जगह हैं देखने के लिए, लेकिन जमाली कमाली टॉम्ब और मॉस्क यहाँ की मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। ये जो एरिया है वो लगभग 150-200 एकड़ में फैला हुआ है और ज़्यादातर जो एरिया है वो अर्बनाइज हो चुका है। तो आज हम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बलबन का टॉम्ब भी है, कुली खान का भी टॉम्ब है, यहाँ पे एक राजों की बावली भी है और एक 1000 साल पुराना एक किला भी है जो कि अभी काफ़ी रून हो चुका है, जो कि तोमर वंशजों ने बनाया था 1000 साल पहले। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ से आप बलबन के टॉम्ब की तरफ जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल गेट बंद है तो आप नहीं जा पाओगे। कुछ कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई है जिसके कारण इसको थोड़ा हॉन्टिंग प्लेस भी बोला जाता है, तो इसको बंद कर दिया गया है। और हम मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के पहले पॉइंट पर आ गए हैं, जो कि है जमाली कमाली मॉस्क। जो ये जमाली और कमाली है, ये दो फ्रेंड थे और इन्हीं के नाम पर ये मॉस्क बनाया गया है, और उनका यहाँ पर टॉम्ब भी है जिसके बारे में यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। जो ये जमाली कमाली मॉस्क है, लोधी डायनेस्टी ने इसकी शुरुआत की थी 1228 से और 29 तक उन्होंने किया था, और आगे चल के जो मुग़ल शासक हुमायूं थे उन्होंने इसे कंप्लीट किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अभी इस मॉस्क को संभाल रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ी जाती। और ये है जमाली कमाली का टॉम्ब, और अभी ये बाहर से लॉक्ड है तो अभी इतना ही दिखा पाएंगे आपको। ये जो जमाली कमाली मॉस्क है, इसको 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। जो जमाली थे वो बहुत अच्छे पोइट माने जाते थे, ये उस टाइम के पोइट थे जब कबीरदास सूरदास जी भी पोइट थे, तो जमाली का भी उस टाइम पे बहुत अच्छा नाम था और बहुत ही अच्छे पोइट माने जाते थे। जो जमाली थे और कमाली थे, तो वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते थे, इसलिए उनका मॉस्क और टॉम्ब साथ में ही बनाई गई है। ये जो जगह है अभी इसको DDA संभाल रहा है, और ये जो जगह है आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ पर कोई भी आ सकता है। और ये हम पहुँच गए हैं राजू की बावली, और इसका जो निर्माण है वो 1506 में किया गया था। जो इसके निर्माण का काम है वो शुरू किया था दौलत खान ने, मिशन भी दौलत खान ने किया था, लेकिन इसको ख़त्म जो किया था वो लोधी डायनेस्टी ने किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।